ये है दुबई सीरीज की दूसरी वीडियो और इसमें आप देखेंगे कि दुबई पहुंचने के बाद मुझसे क्या क्या चीज़ें मांगी गई और मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाए। साथ ही आप ये भी देखोगे कि सिम कार्ड दुबई में कितना महंगा है और हम देखेंगे कि दुबई में एक कार्ड होता है जिसका नाम है नोल कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप दुबई में ट्रेवल कर रहे हो तो। तो गाइस फाइनली आई एम इन दुबई और यूएई है मेरी ऑफिशियली कंट्री नंबर 7। तो फाइनली बहुत सही लग रहा है और मज़ा आ गया एकदम यार, पहुंच के सब कुछ क्लियर हो गया। मैं सब बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ, सबसे पहले बहुत सही लग रहा है, मज़ा आ गया। और व्हाट आर द प्लान्स फॉर द सिम कार्ड? फॉर 1 वीक। 100 AED में मिल रहा है 3 GB एंड 100 लोकल मिनट्स और 50 इंटरनेशनल मिनट्स, तो ये बड़ा सही चीज़ है इधर। लेकिन अगर 100 AED कन्वर्ट करें, अगर 100 AED कन्वर्ट करें तो लगभग यार 2,000-2,500 रुपये का 3 GB, बाप रे महंगा है यार। ये तो एटी सिलेट है और एक है डी कोई कंपनी है इधर यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 GB नेट मिल रहा है और 30 मिनट्स आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, 50 AED में 28 डेज वैलिडिटी, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो यार अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि मेरा जो चेक इन टाइम है वो है 2 बजे का और मैं यहाँ पर आ गया हूँ 8 बजे। तो लगभग 1 साल बाद ब्लॉगिंग करके बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा, हिम्मत बंद ही नहीं रही। खैर मैं जब आया तो बहुत ही स्मूथ हुआ सब कुछ, इमिग्रेशन 10 मिनट में हो गया। और जब मैं आया तो सबसे पहले उन्होंने इमिग्रेशन कर लिया, एक शेख टाइप का एक अच्छा सा कपड़ा पहन के, अरेबिक कपड़ा पहन के बैठे हुए थे। उन्होंने बस पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास देखा और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देखा और मुझे आगे भेज दिया। फिर आगे जाके वही पासपोर्ट दिखा के उन्होंने मुझे 2 स्टिकर दिया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे दो स्टिकर लग जाएंगे और इसी पे आपका आएगा रिपोर्ट, जो कि 1 दिन के अंदर, तब तक हमको होटल में रहना होगा। और इसके साथ ही कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उन्होंने, बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछा। और नहीं 2000 AED जो हो रहा है कन्फ्यूज़न कि लाना है कि नहीं लाना, वो भी नहीं पूछा। वैसे मैंने रखा हुआ था और $100 भी रखे थे मैंने, लेकिन कुछ किसी ने नहीं पूछा, तो बहुत ही आराम से हो गया सब कुछ। और यहाँ पर एयरपोर्ट तो भरा हुआ है चकाचक। एक बार फिर से यार थैंक्स दुबई ये सब टूरिज्म चालू रखने के लिए, जैसे कि हम जैसे लोगों का अरमान पूरे हो रहे हैं। और एक नंबर मांगते हैं जिस पे आपका रिपोर्ट मैसेज में आएगा, तो मेरा यहाँ पर एयरटेल काम कर रहा है तो एयरटेल में नेटवर्क आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है, तो ठीक है। और एयरपोर्ट में वाईफाई है फ्री, तो चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। मैप्स मैंने ऑफलाइन डाउनलोड कर ही लिए हैं, तो बस मैं होटल जाऊँगा। वैसे वो टाइम है, होटल में चेक इन 2 बजे से करना है, अभी बज रहे हैं 8। और दुबई या UAE जो भी है ये इंडिया से 1.5 घंटे पीछे है, तो यानी कि अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर 8:30 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ 8:30 ही बज रहे हैं, तो अभी भी 6 घंटे और बाकी है मुझे एक कमरा मिलने के जहाँ मैं जाके सो सकूँ। यार सो नहीं पा रहा हूँ मैं तो। और मुझे दिख रही है यहाँ पर लाइन से टैक्सी भी, तो जहाँ टैक्सी है तो लग तो रहा है कि यार महंगी होगी, क्या सस्ता होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ सस्ता जुगाड़ हो जाए अभी, उसके बाद थोड़ा लग्जरी लाइफ जियेंगे। तो मेरा होटल है ये लैंडमार्क प्रीमियर होटल, फॉर्मरली सुबह होटल। 2 बस लेनी है, चलो फिर बढ़ते हैं। तो मैप्स आप चाहो तो ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और ये आगे दुबई कह रहे दुर्गेश भाई। और दुबई में व्हाट्सएप और गूगल डू कॉल नहीं हो रहे थे, जो कि मुझे
बाद में जाके पता चला, जिसके बाद मैंने फिर वीडियो कॉल गूगल मीट से किया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ आने के बाद भी एक और RT-PCR होगा जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका रिजल्ट एज यूजुअल 24 आवर्स में आ जाएगा। तो आई थिंक सुबह दिया तो शाम तक आ जाना चाहिए, रात तक नहीं तो कल तो सुबह आ ही जाएगा। अगर पॉजिटिव हुए तो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से निगेटिव ही हैं। और निगेटिव RT-PCR की जो रिपोर्ट थी वो मैं अपने हॉस्पिटल KIMS से लेकर आया था, तो वो इन्होंने रखवा लिया। बस इतना ही था, बहुत आसान था यार, इतना सही था। इससे ज़्यादा तो ये हुए थे इंडिया वाले, यहाँ पर तो बहुत ईजिली हो गया, मज़े में हो गया। एक्सक्यूज मी, बस टू अल वासी पार्क, बस विल कम हियर। ओके ओके। और अगर आप दुबई में हो और आप ट्रेवल करना चाहते हो मेट्रो या बस में, तो आपको चाहिए होगा एक नोल कार्ड, जिसे हम मेट्रो स्टेशन से बनवा सकते हैं, जो कि मेरे पास उस समय था नहीं, जिसकी वजह से मुझे करनी पड़ी एक प्राइवेट टैक्सी, जो कि मुझे बहुत महंगी पड़ी। अच्छा, ये बस शारजा जाएगी ना? ये अभी तो अबू धाबी क्लोज है ना टूरिज्म के लिए? अबू धाबी हाँ, और शारजा भी जा सकते हैं? शारजा जा सकते हैं ना? भी जा सकते हैं। ठीक है। अभी जो ये शेख भाई जा रहे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ बस यहीं पर मिलेगी, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूछना पड़ेगा, इनको खुद नहीं पता। ये है दुबई का T2 टर्मिनल अराइवल्स। आप इंडिया से कहाँ से हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ओके। कब से, कितने सालों से यहाँ पर? तो 10-20 साल होने का है। एक कोई कार्ड होता है क्या बसेस के लिए कुछ? हाँ, इधर बस टैक्सी सबके लिए कार्ड है। हाँ, मैं पहले वही ट्राई किया लेकिन वो कार्ड मुझे मिला नहीं। तो किधर मिलता है वो? मेट्रो स्टेशन में मिल जाता है क्या कार्ड? स्टेशन में मिलते हैं, ये इधर रोड में भी कोई कोई बस स्टॉप है। हाँ हाँ, उधर भी देते हैं, उधर वो मशीन है उसमें डाल के निकालते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो 1400 रुपये लगे एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए, और ये है मेरा होटल, लैंडमार्क प्रीमियर होटल। तो बस चलते हैं इसके अंदर फटाफट, देखते हैं। बुकिंग तो खैर 2 बजे से, लेकिन मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर, देखते क्या होता है। यार टैक्सी के 67 दिरहम्स लग गए भाई साहब, मतलब कि 1400 रुपये, यार दिमाग ख़राब हो गया भाई, 1400 रुपये 5 किलोमीटर के, इतना ज़्यादा लेगा। खैर मैं आया और यहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा चेक इन टाइम तो भाई 2 बजे का, और मैं पहुँच गया हूँ 10 बजे, तो अब 4 घंटे वेट करने अपने रूम लेने के लिए। तो कोई नहीं, मैं यहाँ जा रहा हूँ पास में कहीं खाने, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। अच्छा कुछ मिल जाए यार सस्ते में, हमें तो लग रहा है यार बहुत चूना लगने वाला है भाई, पहले दिन के एकदम सुबह चूना लग गया। और यहाँ मैक्सिमम लोग मतलब इंडियन पाकिस्तानी हर जगह दिख रहे हैं, हिंदी तो मेरे ख्याल से बोलते ही रहेंगे हर कोई। ड्राइवर भी था यहाँ, रिसेप्शनिस्ट है जो होटल का, वो भी इंडियन ही लग रहा है। तो यहाँ पर टैक्सी सर्विस के लिए 2 चीज़ें हैं, एक उबेर है और एक है करीम। तो करीम जैसे अपने यहाँ ओला है, वैसे इनका करीम है और उबर है इनके यहाँ। ये एरिया जो डेरा बोलते हैं इसको, यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाली, और पूरा लाइन से बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये वाला एरिया ठीक लग रहा है, यहाँ पर सामने बर्गर किंग दिख रहा है उधर। तो यहाँ पर एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ के बैठ गया हूँ, और यहाँ पर मैंने मंगाया कीमा और 2 नान। तो आई होप अच्छा ही आई है, देखिए आ गया कीमा ये, और ये आ गया 2 नान बड़े बड़े, इससे पेट तो भर जाएगा यार, कम से कम सस्ते में अच्छा हो जाए कुछ। ये 2 दिरहम की एक रोटी है, ये 7 दिरहम का कीमा, 2 दिरहम की दही, और 1 दिरहम की ये बॉटल। बढ़िया लग रहा है, ये बहुत सही लग रहा है ये कीमा के साथ, ये मोटा मोटा रोटी खाने मज़ा आ गया। तुझी तो खत्म हो रहा है, तुझी
छुट्टी छुट्टी हमने एक हफ्ते का लिया है, तो हम यहाँ घूमने आए हैं दुबई। हाँ, तो अभी यह दूसरा दिन है हमारा। हाँ, तो यहाँ घूम रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। पहली बार आए यूएई में। हाँ, पूरा इन्जॉय कर रहे हैं। ये साथ में खाते खाते भाई साहब मिल गया है, तो थोड़ा बहुत उनसे बातचीत हुई। अरे यहाँ तो लाइन्स, इतने सारे घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुपर मार्केट है, कि मैं तो भूल गया कि मेरे होटल का रास्ता कहाँ से। तो ये मैं पीछे की तरफ आ गया, ये है मेरा होटल। ये तो अब दोबारा फिर से घूम के जाना पड़ रहा, क्योंकि मैं पीछे वाले साइड पे आ गया अपने होटल के। ये है इधर मसाज वाली चेयर, जो कि बढ़िया एकदम पैरों को एकदम मसाज कर देगी, और लगेगा एक दिरहम। तो इसको डालते हैं एक दिरहम का सिक्का और लेते हैं मज़े।